हे हेलो गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं? हेलो बच्चों, कैसे हो? प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं और कहां पर हैं? सो टुडेज़ क्विज डे हमारे पास थर्सडे, और थर्सडे को आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज एक जर्नल क्विज सेशन किया करते हैं। और लकीली आज हमारे पास कौन सा टॉपिक आ रहा है पढ़ने के लिए? आज हमारे पास आ रहा है प्लांट किंगडम। सो मैं हूँ विशेष पाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल जस्ट नीट पर, वेयर यू लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन। तो कंसेप्ट हम ऑलरेडी इसके देख चुके हैं, आज हम करने वाले हैं कि इसके क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है बच्चे, मेरे से बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं स्पेशल क्लासेस पे। वहाँ पर भी अभी हमने क्या करा था, अभी हमने वहाँ पर 10 ईयर्स देखे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के। तो मैंने कहा यार वहाँ पर जूलॉजी हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बॉटनी करवाते हैं। और यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं क्या, प्लांट किंगडम। क्या लेकर आए हैं? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का आज हम क्विज करने वाले हैं। सो सबसे पहले एक बारी बच्चों पे नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से बच्चे यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारे पास कौन है? अंजलि कुमारी हैं, एनी टी हैं, फास्ट ट्रैक हैं, जाकिर खान हैं, संगीता गोयल हैं, समीक्षा सिंह है। समीक्षा सिंह बहुत अच्छा प्ले करती हैं, बहुत अच्छा क्विज में पार्टिसिपेट करती हैं ये। नरगिस खान हैं, भूमि हीरा भाई हैं, अभिजीत वान खड़े हैं, और सुदालाई, इनका नाम थोड़ा सा बड़ा सा है, वाई, ये भी हैं। और ये मुझे हाय कह रहे हैं। बेटा हाय, कैसे हैं भाई? देखो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले ये करेंगे भाई, सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज क्विज़ होने वाला है। क्या सर आज आप पढ़ाओगे? नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको इस क्विज़ के माध्यम से ही प्लांट किंगडम पूरा रिवाइज़ करवा दूँगा और मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि प्लांट किंगडम एक ऐसा टॉपिक है ना, जिससे क्या करते हैं, इससे ना बच्चे दूर भागते हैं। वो सोचते हैं बस कुछ हो जाए, हमें पढ़ना ना पड़े प्लांट किंगडम, इट इज़ वेरी बोरिंग। ठीक है, पर आज मैं आपको एक क्विज़ को अटैम्प्ट करते करते मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा बेटे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी यू नो, मज़ा आने वाला है आज इस क्विज़ में। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों को बुला लें भाई, वीडियो को शेयर करें, दिल खोल के शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जितने दोस्त हैं आपके सभी को बुला लो, बोल दो कि सर आ जाओ। लव फ्रॉम तमिलनाडु बेटा, लव फ्रॉम दिल्ली, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम अनअकैडमी, लव फ्रॉम जस्ट नीट। ओके, तो चलें चलें चलें, आ जाएँ। और कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं? तो यस, हमारे पास काफ़ी बच्चे आए हैं। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं उसको करना। ठीक है, आज मैं आपको ना क्या कहते हैं, गेस कैसे करना है, गेस करने का भी तरीका बताऊंगा। क्योंकि बच्चे ना बहुत बार कंप्लेंट करते हैं कि सर प्लांट किंगडम से ना चीज़ें बाहर से पूछ ली जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, सर हमें पता ही नहीं होता, हमने वो एग्जाम्पल कभी पढ़े नहीं है, ऐसे अलग नाम आ जाता है, हमने कभी सुना नहीं होता। तो पहले तो मैं आज आपके दो में से दूर करूँगा कि चीज़ें बाहर से नहीं पूछी जाती, चीज़ें अंदर से ही पूछी जाती हैं। और कई बारी कुछ एग्जाम्पल्स जब बाहर से पूछे भी जाते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आंसर उनमें से वही होता है जो हमने पढ़ रखा होता है। आज मैं अली बस प्रूफ करूंगा। आज जो क्विज में 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आपकी जो मिथ्स है ना प्लांट किंगडम को लेकर, मैं उनको तोड़ पाऊँ। ठीक है जी, चलें शुरू करें। कोड नहीं बेटा, कोड नहीं मिलेगा। कोड क्यों मिलेगा? ये मेंटी सेशन नहीं है, दिस इज अ जर्नल क्विज। यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स एंड आई विल टीच यू। मैं आपको साथ साथ चीज़ों को पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना प्यारा सा विशेष पाल। नहीं है, ठीक है, प्यारे से हैं सर बहुत ज़्यादा। आज तो मैं बिल्कुल संजय दत्त के स्टाइल में बैठा हुआ था, याद है, बाल बड़े बड़े ऐसे बाल खोल के बैठा हुआ था मैं, जब मैं स्पेशल क्लास ले रहा था। अगर आप लोग जानना मतलब मिलना चाहते हैं मेरे से उस वाले संजू बाबा के लुक में, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सर कैसे आएंगे बेटा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन भी कर लेना। ठीक है, अपने नाम से लॉगिन करना, राहुल के नाम से लॉगिन मत करना। ये मेरा स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है। ठीक है, नीट पर जाएंगे, आपका गोल अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 यूपीएससी या फिर आईटी जेईई और फिर नीट है, उस पर गोल को जाके क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो बेटे आपका जो गेटवे है, गेट सब्सक्रिप्शन वाला, वो वहाँ से ओपन हो जाएगा। एक बार जैसे क्या होता है, वो ओपन होता है तो आप जाके अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना प्लान आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लान से रखे हैं, 1 मंथ प्लान, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। मैं आपको को बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ये वाला प्लान खरीदो या वो वाला प्लान खरीदो। आपका जो सा मन है, आप वाला प्लान क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस प्लान को लेने से क्या होगा बेटे, आपको बेनिफिट मिलेगा। सर बेनिफिट कैसे मिलेगा? बेनिफिट ऐसे मिलेगा क्योंकि अभी मैं तो देखो यार, अभी तो मैं प्लस पे पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, अभी तक तो मेरा प्लस पे कोई लेक्चर नहीं आया, बट प्लस पे जिस टाइम पे लेक्चर आएगा, सो दैट लेक्चर गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। बेटे क्या होने वाला है हमारे पास, वो सुपर अमेजिंग लेक्चर होगा हमारे पास। क्योंकि कैसे आएंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि आए पढ़ाए और चले गए, नहीं बेटे। देखो आपको क्या मिला करेगा, आपको एक तो लाइव क्लास मिला करेगी। क्या मिला करेगी आपको? लाइव क्लास मिलेगी, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, जब आप प्लस पर आएंगे। ठीक है, जब मैं शुरू करूँगा, अभी तो मैं भी नहीं आया वहाँ पर, मैं आऊँगा अगले महीने, आ रहा हूँ मैं उस पर। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी बेटा। लाइव क्लास के बाद जो दूसरी चीज आपको वहाँ पे मिल रही होगी वो क्या है, वो है आपको असाइनमेंट्स क्या मिलेंगे, यू विल गेट डेली असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट की डिस्कशन वहाँ पर हुआ करेगी, ये मैं आपको मतलब यहाँ पर नहीं करवा पाता हूँ। और जो सबसे लास्ट में जो होगा बेटा क्या, डाउट सेशंस, ठीक है, डाउट क्लियरेंस। तो डाउट क्लियरेंस भी बेटा दो तरीके से हो सकता है हमारे पास। मंथन मंथन बेटा डाउट कैसे हो सकते हैं, पहली बात तो कि प्लस की एक पॉलिसी है कि वहाँ पे अगर आपको 5 क्लासेस लेनी है, ठीक है ना, तो क्लास 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4th क्लास आप नहीं ले सकते। 4th क्लास एसेंशियली आपको डाउट के लिए लेनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर आप 5th क्लास लोगे। तो इस तरह से आप क्लास ले सकते हो, आप डायरेक्ट 1, 2, 3 करते हुए क्लासेस नहीं ले सकते। तो डाउट के लिए वहाँ पे एक डेडिकेटेड एक तरीका बना रखा है कि 4th क्लास आपकी डाउट की ही होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो बच्चे मेरे थ्रू क्या पहुँचेंगे हमारे पास प्लस पे पहुँचेंगे बेटा, उन लोगों के लिए क्या रहेगा, ठीक है ना, आई विल प्रोवाइड देम माई फ़ोन नंबर, उनको मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि वो मेरे से डाउट डायरेक्टली पूछ पाएँ, ठीक है। तो आप इनमें से अपना कोई सा भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। और आप कोई भी प्लान चूज़ करें, आप क्या करेंगे, आप ये वाला कोड ज़रूर और ज़रूर यूज़ कर लेंगे। दिस कोड इज़ विशेष, आप इस कोड को यूज़ करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ये महंगा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विशेष_unacademy पे। कहाँ पे, विशेष_unacademy, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप बेटा मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मैं आपकी कैसे और मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना, मैं आपको और अच्छी तरीके से कैसे मदद कर सकता हूँ। बढ़े आगे, ओके। तो यहाँ पे हमारी टीम है, आप हमारी टीम को जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। क्लास 11 और क्लास 12 की क्लासेस कैसे कैसे चलती हैं, नीट 2020 के लिए क्लासेस डेली हो रही है हमारे पास, ठीक है जी। चलें, और ये हमारा चैनल है जस्ट नीट का चैनल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। आप इसको जा सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम ऐप पर क्या कर सकते हैं आप अपना, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशंस क्लास की बहुत जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिर हम फाइनली क्विज पे वापस आते हैं, ठीक है। सो क्विज इज कमिंग हियर। भाई इससे पहले ही क्विज स्टार्ट हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा फिर, ठीक है। या सर शुरू करें, शुरू कर दें फिर, चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पैड यहाँ पे तैयार कर लूँ क्योंकि आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा पहला आपके पास ये आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैच पेयर, इनमें से कौन सा पेयर एक मिस मैच शो कर रहा है। ऑप्शंस आर रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फाइकोफाइसी। चले बताएं फटाफट, फाइकोफाइसी। चले 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 स्पीड में बताएंगे कौन सा पेयर यहाँ पर एक मिस मैच्ड है। चलो, कैसे ज्वाइन होना पड़ेगा बेटा, ज्वाइन कुछ नहीं करना आपने, आप फटाफट यहाँ पर ही आंसर दे दो। आप अनअकैडमी प्लस की बात कर रहे हो क्या, प्लस की बात कर रहे हो, हाँ अच्छा प्लस पे। तो बेटा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट सर जी, लोकेश धादीच आ गए हैं, ओके। तो बच्चों ने आंसर दे दिया, और सबसे पहले आंसर दिया है किसने हमारे पास, एनईटी ने सबसे पहले आंसर दिया हमारे पास, नहीं सबसे पहले आंसर दिया हमारे पास किसने, समीक्षा ने। समीक्षा की दो बातें बहुत ही अच्छी हैं, एक तो इनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्पीड है, अच्छा है, ठीक है ना, और दूसरी खास बात ये है कि भाई ये आंसर बहुत फास्टली देती हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने बहुत स्पीड में हमारे पास दे दिया है। क्या जवाब दिया है जी इन्होंने हमारे पास, टाइम तो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन बी। क्या दिया हमारे पास, ऑप्शन बी इन्होंने दिया है। लगभग सभी बच्चों ने आंसर दे दिया जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो रो हमारे पास हम जानते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी मतलब कि बताओ जी फटाफट, ग्रीन एल्गी कौन हमारे पास बेटा, ग्रीन एल्गा, और ग्रीन एल्गा में जो फूड स्टोर होता है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च हुआ करता है। देख रहे हो कितनी बेसिक सी बात थी, क्या थी कितनी बेसिक सी बात थी, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्या ही सवाल पूछा गया है, हाँ या ना, पता नहीं क्या दे रखा है, फ्लोरीडिन स्टार्च, फाइकोएरिथ्रिन, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, ये सारी बातें। देखो ये बात तो हो गई किसके लिए, ये बात तो हो गई अभी 11th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने आंसर निकालना सिखा दिया उस 11th क्लास के बच्चे को कि बेटा आपने वाली चीज़ पढ़ रखी है कि क्लोरोफाइसी मतलब कि जो ग्रीन एल्गा होती हैं उनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो होता है किसमें, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। अब जो हमारे प्रो बच्चे हैं, प्रो बच्चे कौन से वाले, जो ऑलरेडी तैयारी कर कर आ चुके हैं, बेटा वही वाली बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो बाकी की जो बात करी गई इस पर भी बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकियों की बात जैसे कि सर, जैसे बेटा यहाँ पे रोडोफाइसी की बात करी गई, तो रोडोफाइसी हमारे पास क्या होती है, रेड एल्गा होती है, और रेड एल्गा में आपने पढ़ लेना है कि फ्लोरीडिन स्टार्च और फाइकोएरिथ्रिन एज अ पिगमेंट, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया स्टोर्ड फूड, क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया फूड स्टोर्ड फूड, और फाइकोएरिथ्रिन क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बेटा क्या, पिगमेंट। पक्का है, अरे हाँ या ना, ठीक है। और हमारे पास इनके पास क्या हुआ करते हैं, इनके पास नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स भी हुआ करते हैं, वाली बात भी क्या है, करेक्ट है, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे जो दे रखे ब्राउन एल्गा, तो उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट हुआ करता है। और इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है, दैट फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन। किसकी फॉर्म में? लेमिनेरिन की फॉर्म में होता है। और बेटा मैनिटॉल, डेटॉल नहीं, मैनिटॉल की फॉर्म में ये हुआ करता है। ठीक है, ये कौन है? फरी कैट। सर आप बहुत क्यूट हो। ओह थैंक यू, मैं शर्मा गया हूँ बहुत ज़्यादा। ओके चलो जी बढ़ जाएँ आगे। भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? पहले मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ? इससे क्या क्या बातें हमें पता चली? इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है। क्या दे रखा है एनसीईआरटी में बेटा? एक टेबल दे रखा है नरगिस खान। ठीक है, वो टेबल आपने करना है बेटे, ढंग से पढ़ लेना है। ये सवाल वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2। रेडी हो सब लोग? चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जी, इसका आंसर बताओ बताओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गा बिलोंग्स टू द क्लास रोडोफाइसी? रोडोफाइसी को इनमें से कौन कौन बिलोंग किया करते हैं? चलें, हाँ हाँ हाँ, कौन दे रहा है जी आंसर इसका? Who is going to answer? स्पीड में चलो 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 फटाफट। 4, 3, 2, 1। भाई बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हमारे पास समीक्षा ने फिर से सही जवाब दिया। हमारे पास फ्यूरी कैट ने आंसर सी दिया। हमारे पास शशि रंजन ने दिया है। मुस्कान अग्रवाल ने दिया है। मुस्कान अग्रवाल बेटा आप मेरे पहले वाले जगह से आए हो क्या? यहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था, मेरे आपके नाम की वहाँ पे एक बच्ची थी। ठीक है, राकेश है हमारे पास, राकेश चौहान, लोकेश दादीच, इन सब बच्चे ने सही जवाब दिया है। भाई हम सब जानते हैं कि रेड एल्गा की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर बेटे? बात करी जा रही है रेड एल्गी की। और हमारे पास जो ग्लैसिलेरिया है, जेलिडियम है हमारे पास, पॉरफायरा है या पॉलीसिफोनिया है, दे ऑल आर बिलोंग टू, ये किसको बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं हमारे पास किसको बेटा? बताओ फटाफट। दे बिलोंग्स टू द रेड एल्गा। पक्का पक्का। और इसमें से जो हमारे पास ग्लैसिलेरिया और जेलिडियम है, क्या ये एडिबल हुआ करती हैं बेटा? बताओ फटाफट, क्या ये हमारे पास एडिबल हुआ करती हैं? आर दे एडिबल? यस और नो, बस यस और नो लिख दो फटाफट। चलो फटाफट यस और नो लिख दो। क्या ये खाने योग्य होती हैं? क्या हम इन्हें खा सकते हैं? एनिटी कहने सर मैंने पहले बोला, एक मिनट देख लेता हूँ किसने पहले बोला। भाई ऐसे लड़ाई मत करो। ठीक है, एनईटी ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक कह रही है। सो द करेक्ट आंसर वॉज गिवन बाय एनईटी। ठीक है, ओके यस, ये दोनों क्या हुआ करती हैं? ये दोनों हमारे पास एडिबल हुआ करती हैं, हम लोग खा सकते हो। आइसक्रीम बनाने में काम आती है। किसमें काम आती हैं? हमारे पास ये आइसक्रीम बनाने में काम होती है। पढ़ रखी है वाली बात? अरे हाँ या ना? जाकिर खान कह रहे हैं सर मुँह में पानी आ रहा है आइसक्रीम का नाम सुन के। अरे यहाँ पे कोई, यहाँ पे उसका क्या कहते हैं, मदर डेयरी का ठेला नहीं लगाने वाला मैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रहा था, ये वाली बात क्लियर होती है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। भाई सवाल का जवाब सोच समझ के देना। 30 सेकेंड्स वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कम है, बट फिर भी आप दे सकते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3, कौन दे रहा है जी आंसर इसका? हु इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन? चलो चलो चलो, हाँ टाइम इज गोइंग टू अप। भाई टाइम ख़त्म होने वाला है हमारे पास, बताएंगे स्पीड में। राकेश चौहान बेटा क्या आंसर है इसका? टाइम ख़त्म होता है। और अभी तक किसी बच्चे ने सही जवाब इसका नहीं, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। सही जवाब क्या मतलब? जवाब ही किसी ने नहीं दिया अभी तक तो। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखो यार अपने पास यहाँ पे बात कर रहा है क्या? यहाँ पर बेटा यहाँ पे बात कर रहा है किसी ग्लाइकोजन की। किसी बात कर रहा है? ग्लाइकोजन की। तो बेटा ग्लाइकोजन किस में स्टोर हुआ करता है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है किसमें हमारे पास? ये जो हमारे पास रखा है एगेरिकस, किसमें प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन दी एगेरिकस। पक्का, तो मतलब कि ए का टी। ठीक है, पायरेनोइड्स प्रेजेंट हुआ करते हैं किसमें हमारे पास? दे आर प्रेजेंट इन द ग्रीन बॉडीज। हमारे पास किसमें? ग्रीन, हमारे पास जो हुआ करती हैं जिनको कहता हूँ क्या मैं? ग्रीन एल्गी। ठीक है, पक्की बात है, अरे हाँ या ना? फिर लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये फूड होते हैं किसमें? ब्राउन में। किसमें प्रेजेंट होते हैं ये? ब्राउन एल्गा में। ये एज अ फूड ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। अरे पढ़ रखी वाली बात नहीं, पढ़ रखी है, पढ़ रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल दो। ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल है हमारे पास सार्गैसम। तो सी मैच कर रहा है किससे? पी से। किससे मैच कर रहा है बेटा? ये मैच कर रहा है पी से। पायरेनोइड जिसकी बात करी गई थी ग्रीन एल्गा, तो ग्रीन एल्गा कौन से इनमें से? हाँ हमारे पास नॉस्टॉक, पॉलीसिफोनिया, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हमारे पास क्या है? ग्रीन एल्गा है। तो बी मैच कर रहा है किससे हमारे पास? फटाफट बताओ, एस से। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो हमारे पास है बेटा ये किससे मैच कर रहा है? ये हमारे पास मैच कर रहा है टी से। तो ए का टी, बी का एस, पी, सी का पी और डी का फ्लोरिडिन स्टार्च, ये किस में हुआ करता है, हमारे पास हुआ करता है रेड में। किस में हुआ करता है, ये रेड एल्गी में ये हुआ करता है। और रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसिम्फोनिया, और डी का आर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। भाई समझ आ रही है बात मेरी, आसान है मुश्किल है? सर प्लांट किंगडम की क्विज कब है? बेटा प्लांट किंगडम के लिए मैं लेकर आऊँगा मेंटी क्विज। क्या लेकर आऊँगा मैं? मेंटी क्विज लेकर आऊँगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है? पक्का भाई, हाँ या ना? बढ़ जाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कमिंग, इट्स हियर। चलिए बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। इनमें से कौन सा एक हमारे पास रॉन्गली मैच है, बताएं। स्पीड में देंगे जी आंसर, चलो दे दो फटाफट। भाई टाइम शुरू हो गया है, टाइम हैज़ बीन स्टार्टेड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मांगा है मैंने आपसे। किसका मांगा है? क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं टाइप करके भेज रहा हूँ यहाँ से आपके पास, चलो बताओ फटाफट। टाइम खत्म होने वाला है, टाइम इज गोइंग टू एंड। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। बेटा देखो, समीक्षा ने आंसर दिया है और एनी टी ने आंसर दिया है, शशि रंजन ने गलत आंसर दिया है इसका। बेटा देखो, जो स्पायरोगायरा है, क्या है हमारे पास, जो स्पायरोगायरा है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ करता है, इसके जो गैमेट्स होते हैं क्या होते हैं हमारे पास, ये नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। कैसे गैमेट्स होते हैं? इट प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है? तो यही बात क्या थी हमारे पास, ये वाली बात क्या थी, गलत थी, रॉन्ग थी। बाकी चीज़ जो बातें थी हमारे पास, जैसे कि सारगासम के पास क्या होता है, क्लोरोफिल सी होता है, मतलब कि सारगासम के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी दोनों ही हुआ करते हैं। और साथ साथ इसके पास क्या होता है, इसके पास फ्यूकोजेंथिन भी होता है। क्या भी होता है इसके पास बेटा, इसके पास होता है फ्यूकोजेंथिन। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ब्राउन एल्गी है। क्या है ये? एक ब्राउन एल्गी है, पक्का, ठीक है ना। बेसिडोमाइसीट्स जो होती है हमारे पास, इनको मैं पफ बॉल्स भी कहता हूँ। क्या भी कहता हूँ? इनको मैं पफ बॉल्स भी कहता हूँ, ठीक है, ये वाली बात आप लोग जानते हो, ठीक है। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम, ये वाली बात भी क्या हमारे पास करेक्ट है, ठीक है ना। हमारे पास एक बेसिकली बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं हम इसको। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए। सही है, हाँ या ना? बढ़ जाएँ आगे। ओके चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है यहाँ पर, तो रेडी रहें उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलें बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइलस थाइलोफाइट। इनमें से कौन सा एक क्लोरोफाइलस थाइलोफाइट का एग्जाम्पल है? बेटे बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके नहीं सुने होंगे पहले, बट मैं बता देता हूं कि ऐसे मुश्किल क्वेश्चन जो आते हैं, इनका आंसर जो होता है वो बड़ा ही आसान हुआ करता है, काफ़ी जाना पहचाना आंसर हुआ करता है। अगर आपको समझ आ रही होगी तो आप ये वाली बात, इसका आंसर ज़रूर ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। 3, 2, 1। मुस्कान अग्रवाल ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है, ऑप्शन बी, और इन्होंने आंसर बेटा बिल्कुल ये ठीक दिया है, क्लोरोफाइलस थाइलोफाइटा। व्हाट यू मीन बाय क्लोरोफाइलस थाइलोफाइटा? क्लोरोफाइलस थाइलोफाइटा मतलब कि यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में, ग्रीन एल्गा के बारे में, मतलब कि ग्रीन क्लोरोफाइसी के बारे में, क्लोरोफाइसी, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, पक्का है, मुश्किल तो नहीं है। और यहाँ पे कौन है ग्रीन हमारे पास, ग्रीन थाइलोफाइटा कौन है हमारे पास, हमारे पास स्पायरोगायरा क्या है यहाँ पर, ग्रीन थाइलोफाइटा है, पक्का जी। बढ़ जाए आगे, मुश्किल तो नहीं है। सर सबसे पहले मैंने दिया था, लोकेश बेटा आपका आंसर मुझे थोड़ा सा लेट नज़र आया यहाँ पर, सबसे पहले शायद आपने नहीं दिया। मैं फ्री बता देता हूँ मेरे पास किस ऑर्डर में आंसर्स आए हैं, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आया मेरे पास मुस्कान अग्रवाल, फिर आया मेरे पास समीक्षा, फिर आया मेरे पास क्या फ्यूरी कैट, फिर आया आरुषि यादव, देन इज़ राकेश चौहान, फिर है शशि रंजन, फिर है अंजलि कुमारी, फिर है राकेश चौहान, फिर है पंकज सोनी, फिर है नरगिस खान, फिर है अफरूकाबा, ठीक है, फिर है हमारे पास, ठीक है, लोकेश धाजीज। बेटा आपका तो आंसर आया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्पायरोगायरा वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हम सवाल नंबर 6 पर आ रहे हैं, तैयार रहेंगे सभी लोग? सर तैयार हैं जी, सर तैयार हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैरीन वाटर। इनमें से कौन फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में दोनों में ही पाया जाता है, बताएँ। बेटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, हमारे पास एल्गा सही क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ। क्या आंसर है इसका, बताओ बताओ बताओ। बेटा कैट बेटा मान जाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलें आगे, तो आगे आते हैं हमारे पास, ये कोई 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 मेरा स्टूडेंट ही है, मेरे से मस्ती कर रहा है यहाँ पर ये चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ओडिगोनियम हमारे पास यहाँ पे रखा है, क्लैडोफोरा, स्पायरोगायरा या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा देखो हमारे पास जो क्लैडोफोरा है, कौन है हमारे पास जो क्लैडोफोरा है, ये फ्रेश वाटर में, इट इज़ अ फ्रेश एज वेल एज द मैरीन वाटर, ठीक है ना। ये दोनों में क्या हो जाती है, ये दोनों में पाई जाती है। इनफैक्ट मैरीन वाटर में कहाँ पाई जाती है, जो हमारे पास इंटर टाइडल जोन्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास बेटा, जो अपने पास क्या हुआ करते हैं, इंटर टाइडल जोन्स होते हैं, उसमें खास तौर पे पाई जाती हैं। इनफैक्ट ये क्लैडोफोरा हमारे पास क्या है, ये एज एन एपीफाइट भी ग्रो करती है। दिस ऑल्सो ग्रोज एज एन एपीफाइट ऑन, दिस ग्रोज एज एन एपीफाइट ऑन व्हाट, एज एन एपीफाइट ऑन द लार्जर आप बोल सकते हैं क्या, लार्जर एल्गी, ठीक है जी, बड़े बड़े एल्गे पे भी ग्रो करा करती हैं, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, मुश्किल तो नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है बेटा, बी रेडी फॉर इट। बढ़ जाएं आगे हमारे पास, चलें स्टार्ट करते हैं। ये किसको बिलोंग करता है बेटा, इट बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसिन। किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसिन, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 7, तैयार हो सर? तैयार हैं, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ ऑर्डर स्फेग्नेल्स। स्फेग्नेल्स के लिए इनमें से कौन से ऑर्डर, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ ऑर्डर स्फेग्नेल्स। स्फेग्नेल्स का इनमें से कौन एक मेंबर है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्फैग्नम, एंथ्रोसरस, मार्केंशिया या फ्यूनेरिया। चलें बताएंगे फटाफट, बताएंगे। ये क्या हो गया है, एक मिनट, ओके आप लोग यार पढ़ देते रहो आंसर देते रहो, ठीक है, ओके, यस। ए यार नाम से पता लग गया था यहाँ पे, तो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, अगर आप पढ़ के देखोगे तो। क्या पूछ रहा था यहाँ पर, सिंपल से एक बात पूछ रहा था कि कहते हैं कि जो स्फेग्नेल्स हैं इनमें से कौन एक बिलोंग करता है, तो हम जानते हैं कि जो स्फैग्नम है, दिस बिलोंग्स टू द स्फेग्नेल्स। पक्का यार, ये वाली बात पढ़ी है ना आपने कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइट्स में 3 डिवीजन्स आती हैं। कितनी डिवीजन्स आती हैं, 3 डिवीजन्स आया करती हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब टेक्निकली वाली बात तो मैंने थोड़ी सी गलत बता दी, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा खुद एक डिवीजन है, ठीक है ना। और हम उसमें पढ़ेंगे तो हमारे पास जो 3 कैटेगरीज आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है बेटा हमारे पास कौन सी, हेपेटिकोसिडा, दूसरी आ रही है हमारे पास कौन सी, एंथ्रोसिडा, और तीसरी हमारे पास आ रही है, मेरा एक्चुअली टेबल बहुत हिल रहा है लिखने पे, ब्रायोप्सिडा, ठीक है भाई। पता है ये वाली बात आप लोगों ने पढ़ रखी है। विनायक भारद्वाज बेटा हाँ या ना भाई, लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। चलें तो ये आती हैं, अब आप समझेंगे इसको। इसमें से जो हेपेटिकोसिडा है हमारे पास, इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास आते हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं क्या, लिवर बोर्ड्स। क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं क्या, लिवर बोर्ड्स। हम इनको कॉमनली लिवर बोर्ड्स के नाम से जानते हैं। और आपने सुना होगा मार्केंशिया, कौन बेटा हमारे पास मार्केंशिया बिलोंग करता है, किसको, हमारे पास लिवर बोर्ड्स को, ठीक है। एंथ्रोपसिडा जो हमारे पास आ रहे हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं ये एंथोसेरोस, ठीक है। और ब्रायोप्सिडा में हमारे पास आया करते हैं, ब्रायोप्सिडा को हम कहते हैं खासतौर पर मॉसिस। क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं क्या, मॉसिस। एंड इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है कौन सा, हमारे पास स्फैग्नम आता है, जिसकी यहाँ पे बात करी गई थी। और साथ में आपने सुना होगा हमारे पास फ्यूनेरिया, बेटा फ्यूनेरिया भी इसमें ही आया करता है। समझ आ रही है बात, आसान है मुश्किल है, पक्का, ठीक है। फ्यूनेरिया भी हमारे पास इसमें ही आया करता है, तो यार ये बात आपने समझ लेनी है। इसको आप पढ़ लो, इसको आप याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, ठीक है ना, बट इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यह हमारे पास NCERT में सिर्फ और सिर्फ 2 दे रखे हैं, लिवर बोर्ड्स के बारे में बता रखा है और हमारे पास मॉसिस के बारे में बता रखा है। ये तीसरी कैटेगरी है नहीं दे रखी है, बट देखो तीसरी कैटेगरी से भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बट देखो ऑप्शन बाहर से पूछा गया है, पर फिर भी जो आंसर है वो हमारे पास नोन से ही गया है। ये हमारे पास नोन, हमारे पास एक नोन था, ये इसमें से ही आंसर गया है, ठीक है जी, पक्का। बढ़ जाएँ आगे, मुश्किल तो नहीं है, चलें ओके, चलें बढ़ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, तैयार हैं सभी बच्चे? चलें जी, सवाल नंबर 8 आ रहा है, हेयर इट इज़, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आप करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, 30 सेकेंड्स यू हैव। अंजलि कुमारी, लाइक द सेशन इफ़ यू आर लाइकिंग इट, ठीक है। 15 सेकेंड बचे होंगे आपके पास, मेरे जब ये बोलना ख़त्म करूँगा, देखा 15 थे, ठीक है। पढ़ूँ मैं ऑप्शंस, पढ़ूँ, बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ब्रायोफाइट सॉइल में रह सकते हैं बट ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये वाली बात सही है कि नहीं है, समीक्षा ने कहा वाली बात सही है, मुस्कान ने भी कहा वाली बात सही है, शशि रंजन भी कहने वाली बात सही है, विनायक भारद्वाज, एनईटी, पार्थिवते, आरुषि यादव, इन सभी बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है कि सर ब्रायोफाइट जो हैं ब्रायोफाइट सॉइल में रह सकते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। किसके लिए? गैमीट ट्रांसफ़र के लिए। किसके लिए बेटा? गैमीट ट्रांसफ़र के लिए वाटर पे डिपेंडेंट ये हाँ हुआ करते हैं। ठीक है, पक्का बोलो। आसान है मुश्किल है? आसान है। दिव्या सजवान, इन सब बच्चों ने क्या करा है सही आंसर यहाँ पर दिया है। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए। और मैं बताता हूँ सबसे पहले आंसर दिया था किसने? समीक्षा ने। और समीक्षा का नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। मुस्कान अग्रवाल जो है हमारे पास, इनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर इसका दिया है। ठीक है जी बेटा, बढ़ जाएँ आगे, हाँ या ना। चले क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइट्स रिजेंबल्स एल्गी इन फॉलोइंग ऑस्पेक्ट्स। ब्रायोफाइट्स एल्गी को किस, इनमें से किस ऑस्पेक्ट में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिजेंबल करते हैं? बताएं बताएं बताएं। यू हैव 30 सेकेंड्स। अब नहीं है, 15 सेकेंड है। हाँ चलें चलें चलें। ओके चलें 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 चलें। ओके टाइम्स अप यार, टाइम्स अप। सबसे पहले किसने मैसेज किया है हमारे पास? सबसे पहले आंसर जो दिया है 8th का नहीं, 9th का आंसर चाहिए था मुझे। 9th का आंसर हमारे पास दिया है बी सबसे पहले विनायक भारद्वाज ने। किसने दिया है? विनायक भारद्वाज ने। बेटा ये वाली बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्या कहते हैं कि जैसे कि जो हमारे पास एल्गी होती है, क्या होती है हमारे पास जो एल्गी होते हैं, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा इनके पास ना कोई थैलस नहीं होता, मतलब कि दे आर समवट लाइक दिस, ये कुछ हमारे पास इस तरह से हुआ करते हैं, जैसे लीफ लाइक। ये हो गया लीफ, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया क्या, सपोज दिस इज़ दी आर्किगोनिया, पक्का ये इस तरह से हुआ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है ना। ये जैसे कि ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं, मैं उनको कहता हूँ क्या मैं, राइज़ोइड्स। सेम यही चीज़ हुआ करती है किसमें हमारे पास, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में भी क्या होता है, इनके पास भी थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है। इनके पास भी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, दे हैव नो वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि वस्कुलर टिश्यू सबसे पहले देखने को मिलते हैं यहाँ पर हमारे पास, बेटा बताओ, टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिला करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपेयर इन द टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद, ठीक है ना, इनके भी क्या होते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक हुआ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था यहाँ पे, करेक्ट था। और सबसे पहले इसका आंसर 9th का बी हमारे पास दिया है किसने? हु इज़ द फास्टेस्ट वन? विनायक भारद्वाज सबसे तेज आंसर दे रहे हैं। विनायक बेटा क्या करना है अब आपने, आपने मुझे इस क्वेश्चन के साथ विनायक, मुझे आपने टैग करना है कहाँ पर, विशेष _ अनअकैडमी पर, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप मुझे टैग कर देंगे, ठीक है। चलें बढ़ जाएँ आगे, मुश्किल तो नहीं है। अरे समझ आ रही है बात। अंजलि कुमारी कह रही है सर मेंटी क्यों नहीं है? बेटा मेंटी इसलिए नहीं है क्योंकि मेंटी में ना मैं आपको चीज़ों को समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है। इसमें से देखो ये सारी चीज़ें भी सब बच्चों को पता नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो प्लांट किंगडम में एक मुश्किल टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। प्लांट किंगडम बच्चे को मुश्किल लगता है और बोरिंग लगता है, तो मैंने कहा इसको बोरिंग ना भर लगे ये, और मैं आपको क्वेश्चन करवाने के साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ ये समझा भी दूँ, तो ये बहुत अच्छी बात रह जाती है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझा भी रहा हूँ, आप एंजॉय करो सेशन को, ठीक है जी। चलें अगला क्वेश्चन नंबर 10, मियोसिस इन ड्रायोप्टेरिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। ड्रायोप्टेरिस में मियोसिस किस फेज के कब हुआ करती है? स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है, स्पोर जर्मिनेशन के दौरान होती है, जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान हुआ करती है। चलें बताएं फटाफट, और अगर लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भाई वीडियो को शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलें चलें चलें, बफर कर रहा है क्या? ये बफर कर रहा था बीच में, वॉज इट बफर्ड? भाई बफरिंग हुई थी क्या, मुझे बताओ। बफरिंग हुई थी, बफरिंग हुई थी बफरिंग थोड़ी सी तो हुई थी मेरे ख्याल से, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आंसर दिया बच्चों ने? आंसर दिया 10th का ए बच्चों ने आंसर हमारे पास दिया है। सबसे पहले आपके बारे में आंसर समीक्षा सिंह ने दिया है, उसके बाद आंसर देने वालों में हमारे पास कौन है, दिव्या चौहान, नहीं दिव्या सजवान, शशि रंजन, प्रदीप दे, मिट्टू तनवार, मुस्कान अग्रवाल, आरुषि यादव, नरगिस खान, अफरूक, अपरांशु यादव, राजेश चौहान, ये सब बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो बेटा ध्यान कर लेना, हमारे पास जो ड्रायोप्टेरिस है, कौन है हमारे पास जो ड्रायोप्टेरिस है, इसमें क्या होती है, इसमें स्पोरोइक मियोसिस हुआ करती है, ठीक है। जैसे कि अपने पास, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्पोरेंजिया है, क्या है जो बेटा ये स्पोरेंजिया है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी वाली बातें। यहाँ पे तो बस मैं क्विज करवा रहा हूँ, फटाफट बता देता हूँ। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, मियोसाइट्स होते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। ये करेंगे इनमें क्या होगी, इनमें बेटा बेसिकली क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी, दी स्पोर्स विल डिस्पर्स, क्या कर जाएंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे, एंड दे विल जनरेट इनटू फॉर्म दी, क्या बनाएंगे ये बनाएंगे गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट क्या होगा बेटा, ये गैमेटोफाइट अपने आप में हेप्लॉइड होगा। ये क्या होगा, ये हेप्लॉइड होगा। आप लोगों को ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई, पक्का हाँ या ना, ठीक है, बढ़ जाए आगे। ओके, ये वाली बात क्या आ रही है, सही है पक्का, तो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए। किसने दिया सबसे पहले इसका आंसर, जरा देख लेते हैं फटाफट, हु इज़ द फास्टेस्ट वन। हमारे पास फिर से समीक्षा ने ही दिया है, बट दिव्या संजवान, कौन बेटा, दिव्या संजवान है हमारे पास, ठीक है। चलें भैया, अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या ये अभी भी रुक रहा है, भाई बताएं क्या अभी भी बफरिंग हो रही है, मिट्टू कनवार बफरिंग। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बताएं 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 बेटा। इसका तो आंसर दे दो आप, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना आप। चलो फटाफट, आसान सा सवाल है हमारे पास ये, बताओ नरगिस। नॉट नाउ सर, अच्छा अब नहीं हो रही ना, हाँ बताओ कि कुछ टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस हुआ करते हैं, ये वाली बात तो क्या है, ये वाली बात तो ट्रू है, ठीक है। टाइम खत्म होता है हमारे पास, ये वाली बात तो क्या हमारे पास ट्रू है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन फंस, ये वाली बात भी क्या है, ये वाली बात भी ट्रू है भाई, ठीक है भाई। मियोसिस होती है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ये वाला हमारे पास, स्पोरोफाइट वाला, ये जो होता है हमारे पास, देखा है ना आपने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने पास ऐसा हुआ करता है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये कुछ ऐसे हुआ करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली मियोसिस हुआ करती है, ये वाली बात। वस्कुलर टिश्यू, इनके पास वस्कुलर टिश्यू हुआ करते हैं बेटा, ये वाली बात भी क्या है, ये वाली बात भी ट्रू है। तो कौन सी बात ट्रू नहीं है, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, नहीं ये डिप्लॉइड हुआ करती है, क्या हुआ करती है, ये डिप्लॉइड हुआ करती है। स्पोरोफाइट जो है हमारे पास, कौन सा स्पोरोफाइट, ये मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है ना, और ये क्या होती है, ये हमारे पास डिप्लॉइड ये हुआ करती है। तो 11 का आंसर वाज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या था इसका करेक्ट आंसर था, सही है पक्का। भाई लाइक कर देंगे, भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार आप लोग, देखो कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, बताओ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सा एक पेयर हमारे पास गलत तरीके से मैच कर रखा है, रॉन्गली पूछा गया है, रॉन्गली बताओ। जिनको आर्किगोनिया, साल्विनिया, प्रोथैलस, वायरवाइट्स, आरएनए, मस्टर्ड सिनर्जिट्स, एक बहुत ही एक टिपिकल एक लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। इस सवाल का आंसर आपको अपने लॉजिक से देना है, मतलब नॉलेज तो चाहिए और लॉजिक भी चाहिए। चले बताएं, हाँ सर बी, बी एनईटी कह रही है, पार्थिव दे कह रहे हैं इसका आंसर बी है हमारे पास। राकेश चौहान भी बता रहे हैं, अंजलि कुमारी भी बता रही है, विनायक भारद्वाज भी बता रहे हैं, मुस्कान अग्रवाल ए बता रही हैं, गलत बता रही हैं वो, ठीक है। तो यार इसका देखो यार, हमारे पास जो हमारे पास जिनको गए, ठीक है ना, इनके पास आर्किगोनिया हुआ करते हैं, ये वाली बात तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वायरवाइट्स में आरएनए हुआ करते वाली बात भी क्या है करेक्ट है। मस्टर्ड हमारे पास क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म होने के नाते इसके पास सिनर्जीज भी हुआ करते हैं, वाली बात भी क्या है करेक्ट है। द ओनली स्टेटमेंट जो हमारे पास एनटी कह रही है, मेरी तरफ नहीं देख रहे हो बेटा, मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ, ठीक है, साल्विनिया इसका क्या है गलत मैच था, सही है, अरे पक्का, बढ़ जाएं आगे बेटा। अगला सवाल आ रहा है हमारे पास, तान्या वशिष्ठ, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी फॉर इट। चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वस्कुलर क्रिप्टोगैम, इनमें से कौन सा एक वस्कुलर क्रिप्टोगैम है बेटे, बताओ हमारे पास। चलो चलो चलो, इनमें से कौन सा हमारे पास एक वस्कुलर क्रिप्टो ग्राम है, बताएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ भाई टाइम ख़त्म होने वाला है, बताओ हाँ क्या होता है क्रिप्टोगैम। टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, टाइम हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना। आप लोगों को इसका आंसर पता था? यस सर, बच्चों ने इसका आंसर हमारे पास बता दिया है कि इक्विस्टम हमारे पास क्या है, एक क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम बेसिकली वो प्लांट्स हुआ करते हैं जिनमें क्या होता है, 13 का ए आंसर दे रहे हो आप लोग, मिट्टू कन्वर बेटे इसका आंसर, अरे ए क्यों होगा इसका आंसर यार, इसका आंसर हमारे पास डी होगा। इक्विस्टम ये हमारे पास क्या है, क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम बेसिकली वो हुआ करते हैं जो क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, सीड्स प्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट फ्लावर, जो बिना फ्लावर के क्या कर देते हैं, स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इक्विस्टम वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके आगे हमारे पास आते हैं बेटा, अगला सवाल हमारे पास ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। बेटा ऑन नहीं है, ये वन है बेसिकली, दिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नेटम फ्रॉम द साइकस। बेटा ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, साइकस है हमारे पास, दिस इज द साइकस, ये साइकस लिखा हुआ है, एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स की तरफ क्या कर रहा है हमारे पास, जो नेटम है यह कर रहा है बेसिकली एफिनिटी शो कर रहा है। चलें बताएं फटाफट, स्पीड में। हाँ, क्या है इसका आंसर? अंजलि कुमारी, फरी कैट या फ्यूरी कैट, फ्यूरी में तो सिंगल आर आएगा, आप में तो डबल आर है। क्रिश्चियन मैथ्यू, ये बहुत दिन के बाद आया बच्चा। लोकेश दहादीच, दिव्या संजवान कह रही है सर इसका आंसर डी है हमारे पास। देखो यार अपने पास ये जो नेटम है, ठीक है, ये क्या है, ये देखो अपने पास जो साइकस और पाइनस है, ठीक है ना, ये तो अपने पास क्या है, दीज आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ किसके, हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब देखो आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म से आगे क्या बने होंगे, जिम्नोस्पर्म से आगे बने होंगे क्या, एंजियोस्पर्म्स। ये वाली बात तो हम मानते हो नहीं मानते हो सर? ये वाली बात हम मानते हैं। ठीक है, अब आप सुनो मेरी बात को, फटाफट सुनो। देखो क्या हुआ है कि साइकस और पाइनस से एडवांस्ड एक प्लांट आया, इसका नाम क्या था, इसको हमने नाम दिया क्या, नेटम। क्या नाम दिया, नेटम। ठीक है ना, जी नेटम, गनेटम, जो भी बोल दो उसको, ठीक है ना, नेटम हमने इसको नाम दिया। ठीक है, इसके पास क्या था, ये थोड़ा सा अलग था किनसे, इनसे, साइकस और पाइनस से। किस तरह से अलग था, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साइकस एंड पाइनस इन हैविंग दी, इसके पास एक तो वस्कुलर एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो क्या था हमारे पास, ये अलग था। और आर्किगोनिया क्या था इनके पास, आर्किगोनिया क्या था, एब्सेंट था, और इनके अंदर क्या हुआ करते हैं, इनके पास आर्किगोनिया हुआ करते हैं, जबकि इनके पास एंजियोस्पर्म्स के पास कोई आर्किगोनिया नहीं होता, दे डो नॉट हैव एनी आर्किगोनिया। ठीक है, इसलिए क्या था, इट शोज द एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग नो आर्किगोनिया। पक्की बात है, हाँ या ना? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी क्या था इसका, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब सर सबसे सही आंसर किसने दिया, सबसे पहले ये जानना चाहते हो आप लोग, भाई जानना चाहता है कोई वाली बात? हाँ सर जानना चाहते हैं, तो देखो इसका आंसर हमारे पास है यार, पता नहीं चल रहा है क्योंकि इससे पहले वाले का भी आंसर डी ही था ना, तो कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है बेसिकली। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन पे आने, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं पहले टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, सो दैट आप लोग क्या कर पाओ, आप लोग इसका आंसर तरीके से दे पाओ और मैं नाम लिख पाऊँ। चलें, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, ये दोनों आपस में किस तरह से अपने आप को रिजेंबल ये किया करते हैं, सीड्स, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम या वेसल्स, बताओ फटाफट, चलो बेटा स्पीड में। और भाई जो जो बच्चे देख रहे हैं भाई वो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, साइकस, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम और वेसल्स, टाइम खत्म होने वाला है, बताओ आंसर इसका, 15 का आंसर। फिर विकेट कह रही है सीज का आंसर है, एनिटी कह रही है मोटाइल स्पर्म्स का आंसर है, एनिटी। बेटा सुन लिया मैंने, सुन लिया, टाइम्स अप, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। समीक्षा सिंह इसका आंसर बी कह रही हैं। यस, हमारे पास जो साइकस और एडियंटम है इन दोनों के पास क्या हुआ करता है, दे बोथ पोजेस दी मोटाइल स्पर्म, इनके पास क्या हुआ करते हैं, इनके पास मोटाइल स्पर्म हुआ करते हैं। इनको हम एंथ्रेजॉइड भी कह दिया करते हैं, क्या भी कह दिया करते हैं इनको हम, एंथ्रेजॉइड। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास मोटाइल, जो भी मतलब एंथ्रेजॉइड, जू क्यों कह रहे हैं, एनिमल मतलब कि मोटाइल हुआ करते हैं। ठीक है ना, और इनके गैमेट्स भी क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल स्पर्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, खादिजा तुलकुबरा, समझ आ गई बेटा बात? बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर। पाइनस बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास को ये बिलोंग करता है? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये सब क्लासेस तो पढ़ाई नहीं गई है, आप याद करो, आपको इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड पढ़ाए गए हैं क्लासरूम में, बताओ। क्रिकेट क्लासिक, क्या आंसर है इसका, दिशा मौर्य, चलो 16 का आंसर पूछ रहा हूँ मैं नरगिस बेटा, 16 का। चलें बताएंगे फटाफट। एस के जूरन इसका आंसर दे रहे हैं सी, पार्थिव दे ने इसका आंसर दिया है सी। टाइम ख़त्म होता है हमारे पास एंड द करेक्ट आंसर हम जानते हैं कि पाइनस क्या है, पाइनस एक कोनीफर है। क्या है हमारे पास, एक बेटा कोनीफर है। और अगर आपने सारी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, अगर आप अपने लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने इतना तो ज़रूर पढ़ रखा होगा कि जो कोनीफर्स हैं मतलब कि हमारे पास पाइनस जो है वो कोनीफर को बिलोंग करता है। तो कौन सी हमारे पास क्लास हो जाएगी, क्लास हो जाएगी हमारे पास कौन सी, कोनीफेरोसिडा। पक्की बात है, पक्का, अरे हाँ या ना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 आंसर क्या था हमारे पास, ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। ठीक है, पक्का। बढ़ जाएँ आगे, क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है बेटा, बी रेडी। चलें सवाल नंबर 17, लिविंग फॉसिल इस, इनमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल है, बताएंगे इनमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल है। बेटा बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 10 सेकेंड बचे हैं आपके पास आंसर देने के लिए, बताएं फटाफट। हाँ बेटा बताओ, चलो टाइम्स अप। ये सवाल तो आपने कभी छोड़ना ही नहीं है, ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे पास का आंसर क्या है, इसका आंसर हमारे पास कौन सा, जिंकोस बाइलोबा इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक लिविंग फॉसिल है। इसके अपार्ट, इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए बेटे, वो आप सुन लो, ठीक है। जिंकोस बाइलोबा क्या है, ये बेसिकली डिमेंशिया में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, डिमेंशिया समझते हो, मेमोरी लॉस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस। जिन लोगों की क्या होती है, जिन लोगों की याददाश्त जाने लगती है, या जिन लोगों का ब्रेन में जो न्यूरॉन्स डिफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकली इल पीपल में, न्यूरोलॉजिकली इल जो इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, उनमें क्या दिया जाता है, उनमें ये जिंकोस बाइलोबा दिया जाता है, ठीक है। मेरी फैमिली में भी क्या हुआ था, मेरी फैमिली में भी एक लेडी थी, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना, तो उनको ये मेडिसिन दी जाती थी। एक प्लांट होता है, प्लांट से बेसिकली एक मेडिसिन निकाली जाती है, ठीक है ना, उसका नाम भी जिंकोस बाइलोबा रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डिमेंशिया के केस में या मेंटल डिसऑर्डर के केस में, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और करेक्ट आंसर किसने दिया इसका, चलो फटाफट देख लेते हैं हमारे पास, हु इज़ द फास्टेस्ट वन, में फटाफट देख लूँ एक बार यहाँ पर। 17 का ए हमारे पास दिया है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 17 का दिया है एनी टी ने, किसने दिया है, एनी टी ने। और एनी टी से पहले इसका आंसर हमारे पास एक दो बच्चों ने और भी दिया है, मुस्कान अग्रवाल ने दिया है और SK जूरन ने दिया है, SK जूरन। चलें जी, शाबाश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सवाल नंबर 18 आ रहा है बेटा, बी रेडी, ठीक है। पलाएँ, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, बताएं जो लाइफ साइकिल होती है किसकी, एक्टोकार्पस की और फ्यूकस की, वो क्या हुआ करती है। इनमें से ऑप्शंस डिप्लोन्टिक, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, हैप्लोडिप्लोन्टिक या हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक। चलें बताएं। 18, क्रिश्चियन मैथ्यूज इज द फास्टेस्ट वन, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर चैट बॉक्स में गाना गा रहे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, एक्टोकार्पस और फ्यूकस, बताओ यार फटाफट हमारे पास। हाँ, एक्टोकार्पस क्या हुआ करता है, एक्टोकार्पस क्या है, अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। एक्टोकार्पस में जो लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है, वो हमारे पास हैप्लोडिप्लोन्टिक हुआ करती है, पक्का। और जो पास फोकस नहीं है, ये फ्यूकस है, फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस हमारे पास ब्राउन एल्गा है और ये क्या हुआ करती है हमारे पास, ये डिप्लोन्टिक हुआ करती है। भाई कोई आसान है, मुश्किल है, आसान है, ठीक है। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी क्या था इसका, आई वॉज राइट, ठीक है। सर शर्मा गए हैं, हाँ बेटा शर्म तो आएगी, अब ऐसी किसी ने मेरे से आज तक पहले ऐसे किसी ने बात करी ही नहीं है, ठीक है, कोई करेगा तो शर्म तो आएगी, ठीक है। चलें आगे, ओके। तो क्रिश्चियन मैथ्यू सबसे फास्ट है इसमें, कौन है हमारे पास, क्रिश्चियन मैथ्यूज इज़ द फास्टेस्ट वन। फिर टैग मी, आपको क्या करना है बेटा, मुझे टैग करना है, कहाँ पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी विशेष _अनअकैडमी, ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। चलें बढ़ जाएँ अगला सवाल, अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन 3, 2, 1 चलें। गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफाइट। सक्सेसफुल आया, आई डोंट नो वाई क्यों अटक गया था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम इसको वापस रिज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू रिज्यूम दिस फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड अगेन यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बताएं फटाफट। यस 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 बेटा बताओ, फटाफट बताओ। सक्सेसफुल आया, आई डोंट नो वाई। चलें 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 बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको अभी भी 30 सेकेंड्स मिले हैं इसका आंसर करने के लिए। चलें बताएं फटाफट। लास्ट आपके पास 5 सेकेंड्स बचे हुए हैं। 5 सेकेंड्स। गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल में एक डोमिनेंट फेज है? ऑप्शन दे रखे हमारे पास, कौन सा? हिबिस्कस, नेफ्रोलिपेस, साइकस या रिश्किया, बताएं। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। भाई ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। डी आर्यमान ठाकुर ने वाली बात बिल्कुल सही बताई है, ठीक है ना। हमारे पास जो रिस्किया है, इट बिलोंग्स टू वॉट? इट बिलोंग्स टू लिवर बोट्स। एक इसको बिलोंग करा करता है, इट बिलोंग्स टू लिवर बोट, या लिवर बोट्स को बिलोंग ये किया करता है। पक्का? अरे आसान है मुश्किल है? आसान है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। और ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट कंडीशन हुआ करती है वो क्या हुआ करती है? वो हुआ करती है हमारे पास कौन सी? गैमेटोफाइट। पक्का? मार्केंटिया वगैरह पढ़े हैं आप लोगों ने? सर पढ़ा है, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन आपने आंसर देना है इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट तैयार रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? इनमें से किसकी एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ करती है? पॉलीट्राइकम, उस्टिलैगो, वीट या फुनेरिया, बताएं 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 बताएं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछी गई है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बताएं बताएं स्पीड में। बेटा पिछले वाले सवाल की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 20। फ्यूरी कैट आंसर दो, 20 का आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स। प्रियांशु रंजन ने इसका आंसर बोला है ए, पॉलीट्राइकम। नहीं यार, पॉलीट्राइकम में तो नहीं होती हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो बताओ। क्रिश्चियन मैथ्यूज कह रहे हैं डी, विनायक भारद्वाज कह रहे हैं बी। विनायक भारद्वाज यहाँ पे गलत हैं। फिर हमारे पास आर्यमान ठाकुर, आर्यमान ठाकुर ने इसका क्या दिया है? सही जवाब दिया है। आर्यमान ठाकुर सबसे पहले हैं, ठीक है, और इन्होंने आंसर दिया है इसका क्या? ही हैज़ गिवन द आंसर ऑप्शन डी। इन्होंने ऑप्शन डी दिया है। फिनेरिया यार ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना, ठीक है ना। फिनेरिया क्या है हमारे पास? फिनेरिया में जो लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है? वो हैप्लॉन्टिक हुआ करती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। देयर इज़ नो, यू नो, सिंपल सी बात है। कितनी है? आसान है मुश्किल है? आसान है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बच्चे ने सही आंसर दिया है, और भी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने करेक्ट करेक्ट आंसर दिए हैं। पार्थिव दे हैं, समीक्षा सिंह हैं, लोकेश आदिश हैं, दिव्या सजवान हैं, आर्यमन ठाकुर का नाम ले चुका हूँ मैं, राकेश चौहान है, ठीक है, नरगिस खान है, ये सभी बच्चे हैं। फ्यूरी कैट है, आरुषि यादव है, ठीक है, ये सभी बच्चों ने NET है, इन सब बच्चों ने क्या करा है? करेक्ट आंसर दिया है। तो बेटा यहाँ पर रही वाली बात हमारे पास कंप्लीट होती है। अब मैं जाते जाते बस आपको एक बारी बात बोलना चाहता हूँ। खादिजा, यस बेटा आपने भी सही आंसर दिया है, ठीक है बेटा। अनअकैडमी लर्निंग आपको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आप प्लस पे जा सकते हैं। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपके पास एक ऐसी विंडो खुल के नज़र आएगी। अगर आपने, वैसे सभी को पता ही है कि नीट आपका क्या है, आपका गोल है। अगर आपको नीट गोल है आपका, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर योर ओन, अगर आप खुद से ही प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा कि अपने लेवल पर प्रिपेयर करने के लिए बेटा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एक गाइडेंस, इससे ज़रूरत पड़ने वाली है गाइडेंस। और ये गाइडेंस आपको हर कोई नहीं दे सकता। इसके लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए होगी गाइड करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। सो आपको क्या करना है, आप बेटा यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, अगर क्लास 11th में हैं आप, तो बेटा आप इनमें से ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लास 12th वाले 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं, वो गाइडेंस, उनको लंबे टाइम तक की प्रिपरेशन करनी है, उनको एक लंबा स्लॉट चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो दे मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस 24 मंथ्स, ठीक है। देखो जितना प्लान बड़ा होगा ना, उतना वो इकोनॉमिकली चीपर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उतना वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, उतना वो आपकी पॉकेट पे क्या करेगा, कम बर्डन डालेगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ये 24 मंथ वाला प्लान लेते हैं, दिस 24 मंथ वाला अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, सो दिस विल बी वेरी 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 यूजफुल, वेरी वेरी ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप कोई भी प्लान लें, बस आप इस कोड को यूज़ करेंगे, विशेष VISHE, ये मेरा कोड है। अब तो कोड को यूज़ करेंगे, देखो कोड को यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट तो तुरंत और तुरंत मिल ही जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको 10% डिस्काउंट मिलना ही है। पर इसके अलावा आप लोग सोचते हैं कि यार इसके अलावा हमें कुछ और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है कि सर हमें कुछ और भी पढ़ना है, अमाउंट नहीं हो पा रहा, तो बेटे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कहाँ पर, मेरे ईमेल आईडी पर, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मेरे पास, कौन सा, Vishesh_unacademy। ठीक है, मैं आपको आपका सब्सक्रिप्शन लेने में आपकी हेल्प मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे हेल्प करूँगा, कितनी हेल्प करूँगा, ये मैं आपको तभी बताऊँगा, बट आप यहाँ पर मुझसे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलें तब तक कि अच्छा 6 बजे क्यों नहीं आए बेटा, मैं 6 बजे सिर्फ और सिर्फ वीक में 3 डेज़ पर आता हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। ठीक है, बाकी गगन सर आते हैं थर्सडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम मिलूँगा आपसे कब, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है, एक सुपर टीम, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए, मंडे टू वेडनेसडे की टीम आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आप क्लास 12 की टीम भी दे सकते हैं, जो थर्सडे टू सैटरडे रहती है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। ठीक है जी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सो डो नॉट मिस इट। ठीक है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है नरगिस, चलें जी। ठीक है, आप हमारा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ओके, और इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, दिस कोड इज़ विशेष, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस 10% डिस्काउंट बाई यूजिंग दिस कोड। ठीक है, चलें जी, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।